it's your birthday tomorrow. Yeah. What are you guys doing? Back. Hi everybody, I hope सब घर पे फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे. सो आज की वर्कआउट होने वाली है हमारी बैक वर्कआउट. ये बहुत पहले से मैंने ये बैक वर्कआउट शेड्यूल कर रखी थी मगर ड्यू टू सम प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम क्या है वो बताएगा सौरभ. मैं भी सौरभ का ही वेट कर रहा हूँ, जिम में बैठा हूँ. सौरभ बताएगा. सौरभ कौन? अगर आपको नहीं पता तो चेस्ट की वर्कआउट देखो, मेरी आई बटन में लिंक आ रहा होगा. सो उसको क्लिक करना इस वीडियो के बाद. पहले ये व्लॉग पूरा देखना, उसके बाद वो वाली वीडियो देखना. तो सौरभ के साथ ये पहले से स्केड्यूल थी ये वर्कआउट. सो अब ये वर्कआउट ऐसी होने वाली है कि इसमें थोड़ी सी सौरभ प्रॉब्लम बताएगा कि उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने वर्कआउट डिज़ाइन करी है. इसमें जो जो एक्सरसाइज डाली है थोड़ी डिफरेंट होगी, नॉर्मल जो हम एक्सरसाइजेज लगाते हैं जिनमें उससे थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होंगी. तो देखना और कैसे मैंने स्ट्रक्चर करी है सारी एक्सरसाइज को वन बाय वन, कैसे बैक वर्कआउट स्ट्रक्चर करते हैं ये भी आपको जानने को मिलेगा. सो अभी वेट हो रहा है सौरभ का, सौरभ आएगा. मेरी कोशिश तो यही है कि हर एक 10 से 15 दिन में, मिनिमम 10 दिन में एक वीडियो डलती रहे, एक व्लॉग डलता रहे इन्फॉर्मेटिव. मगर कई बार काम में थोड़ा सा इतना बिजी होते हैं या कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि जिससे कि वीडियो नहीं डाल पाते हैं. मगर मेरी कोशिश तो यही है और काफ़ी चीज़ें मैंने सोच रखी है, जैसे फुल डे ऑफ ईटिंग कि हम देसी डाइट और ये सब हम कैसे खा सकते हैं. एक वीडियो और है जो मैंने सोची हुई है, एक मास गेनर शेक जो हम मसल बिल्डिंग के टाइम, गेनिंग के टाइम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कैलोरीज मैक्स टू मैक्स एक लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं. तो वो वीडियो मोस्ट प्रॉबली संजू के साथ आएगी. संजू कौन? अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें संजू वही भाई है जो जिसके घर से मैंने ब्लॉग का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था. तो उसके उसके साथ मैंने सोची हुई है काफ़ी टाइम से. तो वो आएगी जिसमें मास बिल्डिंग शेक बताऊंगा, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, अब टाइम टू पुट ऑन मास अराउंड अपनी अगर नॉर्मल कैलोरीज से 200 to 400 प्लस सरप्लस में जाएंगे. सो वो शेक काफ़ी काम आता है, मैं भी कई बार वो शेक पीता हूँ. एक चीज़ बताऊँ, आज की वर्कआउट में हम मैं स्पेशली, मुझे सौरभ का नहीं पता, भी सौरभ बताएगा आगे, मैं डेडलिफ्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सैटरडे को ही डेडलिफ्ट करते हुए थोड़ा सी मेरी बैक में झटका आ गया. सो उसकी वजह से मैं डेडलिफ्ट अवॉइड करूँगा. तो अभी मैं क्या करूँगा, बेल्ट बांध के सारी मूवमेंट करूँगा. मगर ये आपको एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि अगर आपकी बैक सही है तो सिर्फ डेडलिफ्ट के हैवी सेट्स में ही बेल्ट लगाओ, नहीं तो नॉर्मल सेट्स में अपने कोर को यूटिलाइज होने दो नॉर्मल एक्सरसाइज में. ये नहीं कि पूरी वर्कआउट में बेल्ट लगाओ जैसे मैं अभी लगाऊंगा. सो यही रहेगा कि मैं अपनी बैक को कम से कम उस पर स्ट्रेन डालूं. सो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और नहीं पसंद आया तो क्या नहीं पसंद आया वो कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ. और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में होगा एंड साइड में आ रहा होगा मेरी इंस्टाग्राम का सारी प्रोफाइल. सो आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट डालता हूँ. और कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ. तो ये सौरभ आ गया. सौरभ इतना लेट कहाँ हो गया, क्या वक्त होती होगी है? मैं बोल नहीं सकता ना ब्लॉग किन से और किन से दूर रहना पड़ता है. तो सौरभ बताएगा कि सौरभ आज की वर्कआउट में क्या तेरी प्रॉब्लम थी बैक की, बैक वाली वो चीज बता. आज की मतलब बैक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक तो बैक सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ऊपर से क्या बोलते हैं एक लोड नहीं दे रही है, लोअर बैक डेवलप नहीं हो पा रही, लोअर बैक डेवलप नहीं आ रही. तो ये वर्कआउट सबसे पहले तो सिमेट्री वाली है कि सिमेट्री पे कैसे काम करना. तो मैंने जो वर्कआउट का स्ट्रक्चर किया है उस स्ट्रक्चर में यूनिलेटरल मूवमेंट डाली है. यूनिलेटरल मूवमेंट से हम एक साइड की बैक को यूनिलेटरली हम काम करेंगे उस पर. सो सौरभ के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन करिए, मगर इसका मैं ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा, जो लोग ऑल्टरनेट करना चाहते हैं उसकी वो ही एक्सरसाइज, ऑल्टरनेट एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं. सो और कुछ सौरभ जो तेरे को दिक्कत आ रही हो, हम क्यों लेट हो रहे हैं वर्कआउट बनाने में? कोई प्रॉब्लम थी ना, एक फैमिली प्रॉब्लम थी हमारी, तो उसकी वजह से लेट हो गई. तो एक वीडियो बहुत पहले स्केड्यूल हो रखी थी कि ये काफ़ी पहले आती, तो अब इसकी लेग्स की भी एक वर्कआउट बढ़ी है, तो एक ट्रीट सीरीज हो जाएगी मेरी और सौरभ की जो हम साथ में बनाएंगे. तो अभी क्या है, बैक बाइसेप्स, अगली बार होगा लेग शोल्डर्स. सो ये बेसिक टू बॉडी पार्ट वर्कआउट है जो ज़्यादातर हम इंडिया में करते हैं, और ये कोई बोलता है गलत है सही है वो मैं बाद में किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा. इंडियन तो डिपेंड करता है आप रोज ट्रेन कर रहे हो, रोज ट्रेन कर रहे हो, डाइट अच्छी है कि नहीं, और तुम रोज ट्रेन कर रहे हो कि नहीं. एग्जैक्टली, और कंसिस्टेंसी, तुम अगर कंसिस्टेंट हो तो रिजल्ट तो देगी बॉडी. हमने पहले थोड़ी सी डायनेमिक स्ट्रेचिंग करी और वॉर्म के हाथ वाथ घुमाए, जो आप देख सकते हो हमारी वार्म अप चेस्ट वाली वर्कआउट में एक दो सेट लगाए थे लाइट वेट लैट पुल डाउन. और अब हम करेंगे अपना पुलअप्स. पुलअप्स करते हुए ना ग्रिप यहाँ से पकड़नी है, दिस वन,
पूरी ग्रिप लेनी है और ज्यादा वाइड करने की जरूरत नहीं है, शोल्डर से थोड़ा सा ही वाइड अपना पकड़ा और स्कैपुला कॉन्ट्रैक्ट क्या किया मैंने, शोल्डर पीछे किए, चेस्ट अप करी, ऊपर देखा एंड दिस। सो वार्म अप हो गई है, एक वार्म अप सेट ले लिया है, एक मेन सेट भी हो गया वर्किंग और हम अब सेकंड सेट लगाने जा रहा हूँ मैं अपना, सौरभ ने लगा लिया सेकंड, थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर देते हैं। सौरभ वेट इंक्रीज किया था, ठीक है वेट इंक्रीज ऑलरेडी है। सो ये कैसे करना है देखना, काफ़ी लोग गलती करते हैं यहाँ से पकड़ लेते हैं एकदम एंड से, सोचते हैं ज़्यादा लैट यूज़ होगा ज़्यादा वाइड बनेगी, ऐसा नहीं है, अपना उतना ही करो, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड और ये ग्रिप देखो इसमें भी सेम ऐसे ही यहाँ से पकड़ना और कुछ सेट जो लगता है आपको ज्यादा सुपर हैवी नहीं है तो उसको आप विदाउट थंब कर सकते हो और विदाउट थंब से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आता है लेग्स में, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ये गया सेम चीज, चेस्ट अप, स्कैपुला कॉन्ट्रैक्ट, तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, दूसरी एक्सरसाइज है हमारी वाइड ग्रिप रो या बारबेल बेंट रो, वाइड ग्रिप रो जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे लोअर बैक मैंने जैसे बताया थोड़ी सी पेन है तो मैं वाइड ग्रिप रो ले रहा हूँ, अगर आपकी बैक सही है तो आप गो फॉर बारबेल बेंट रो। एक सेट दिखाइए करके, दिखाइए कैसे करते हैं अपना, ऐसे ही करना है, बैक स्ट्रेट अप एंड दिस, दिस इज फॉर मिड बैक, लैग्स एंड अपर बैक। तो पहले हमने हिट किया लैग्स, फिर अपर बैक एंड मिड बैक, अब हम कर रहे हैं लोअर लैग्स, देखना कैसे कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज इसलिए भी थोड़ी डिफरेंट है, सौरभ ने बोला था कि उसकी एक तरफ बैक में पंप आता है अच्छे से और एक तरफ बैक में पंप नहीं आता, तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज उसके लिए भी है कि जिसको डिफरेंट फील हो रहा है, जिसे एक तरफ बैक में पंप नहीं आ रहा है, सौरभ वाली प्रॉब्लम आ रही है, कईयों को आ जाती है, मैंने कई बार सुना है, तो ये जरूर करें यूनिलैटरल। सो क्या करना है, हाथ सीधा, ठीक है वापस खींच रहे हैं ना, आधा सेकंड होल्ड करना है एंड देन स्लोली आगे, आधा सेकंड होल्ड एंड स्लोली आगे। जो फॉरेन जिम्स होते हैं या कई बड़े बहुत अच्छे जिम्स होते हैं आजकल इंडिया में भी वो मशीनें आ गई हैं, आपने देखा होगा चेस्ट सपोर्टेड डिस होती है तो वो भी यही काम करती है, तो अगर वो नहीं है आपके जिम में गो फॉर दिस एक्सरसाइज, सेम वही काम करती है, ठीक है। तो एक्सक्यूज नहीं देना कि वो मशीन नहीं है तो वो एक्सरसाइज नहीं हो सकती, तो उसी का ऑल्टरनेटिव है। तो आपने देखा होगा कई वाले जिमों में सिटेड ये वाली होती है, अलग अलग उसमें हैंड मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो ये उसके ऑल्टरनेटिव, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ट्राई करना। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी लोअर लैट्स के लिए है, तो ये सिंगल हैंड लैट पुल डाउन बोल सकते हैं इसे, मगर ये थोड़ी वेरिएशन है, इसे बोल सकते हैं सिंगल हैंड लैट पुल डाउन, कई रो वेरिएशन सॉर्ट ऑफ रो और पुलिंग मूवमेंट में मिक्स करता हूँ। अब जैसे ये कर रहा है सौरभ कर रहा है, सो इसमें सिंगल हैंड लैट पुल डाउन का ये थोड़ा सा वेरिएशन है, सो इसको कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा, काफी अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर लैट्स और ओवरऑल लैट्स की डेवलपमेंट के लिए। सो हमने लैट पुल डाउन कर लिया, बारबेल बेंट रो या वाइड ग्रिप रो कर ली एंड एक रोइंग वेरिएशन कर लिया पुली के साथ, और अब ये वाली वेरिएशन है, इसके बाद एक हम मिड बैक लगाएंगे, ठीक है मिड बैक की एक्सरसाइज होगी। तो इसमें क्या करना, सेम ऊपर लगा लेना पुली, बेंच जो था हमने पहले वाली एक्सरसाइज के लिए रखा था वो करना है, हैंड यहाँ पे प्लेस और
पूरा नीचे तक लेके आना है। ऑन हैंड की मूवमेंट अभी मैंने सिंपल रखी हुई है, आप ये कर सकते हैं न्यूट्रल ग्रिप। या आप ये भी कर सकते हो, तो वेरिएशन आप ट्राई करते रहना जो अच्छी लगे ना। एंड रेपिटेशन थोड़ा सा आई तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सिटेड रो, नॉर्मल सिटेड रो। सिटेड रो की जगह आप अपना टी बार रोइंग भी मार सकते हैं। तो टी बार रोइंग नहीं करी मैंने, भी नहीं करी और सौरभ ने भी नहीं करी, तो सिटेड रो मार रहे हैं हम। वर्कआउट होगी अपनी कंप्लीट, लास्ट एक्सरसाइज है, डेडलिफ्ट करना है या हाइपर मारना है। तो ये वर्कआउट है, ये हफ्ते में एक ही बार है क्योंकि काफी वॉल्यूम है इसमें, ठीक है। अगर आप हफ्ते में दो बारी बैक हिट करते हो तो वॉल्यूम कम कर सकते हो, एक एक्सरसाइज से दो एक्सरसाइज हटा सकते हो। तो चार से पांच एक्सरसाइज मैक्सिमम एक वर्कआउट सेशन में होनी चाहिए बैक के। सो अब जो ये वाली है इसमें हमारी कितनी वर्कआउट हो गई, लैट पुल डाउन हो गया, वाइड ग्रिप रो हो गई, पुली रो हो गई, लैट रो हो गई, सिटेड रो हो गई एंड देन डेडलिफ्ट है। तो अराउंड छह एक्सरसाइज हो गई, सबके तीन तीन सेट लिए हैं। तो कोशिश किया मैंने कि 20 से 30 सेट्स में इतने में एक वर्कआउट पूरी कंप्लीट हो गई हमारी बैक की। और मैं डेडलिफ्ट नहीं कर रहा, सौरभ करेगा डेडलिफ्ट। तो मेरे तो लोअर बैक में लगी हुई है तो मैं डेडलिफ्ट नहीं करूंगा, हाइपर करूंगा। तो सौरभ करके दिखाया एक सेट डेडलिफ्ट का। सो ग्रिप देखना, पहले ग्रिप देखो, बैक स्ट्रेट, हल्के से नीज बेंड, दिस वन गुड गुड। तो हम ये पावर के लिए नहीं कर रहे, तो इसमें थोड़े से रेपिटेशन हम हाई रखने हैं। पावर के लिए जिस दिन ट्रेन कर रहे हैं तो अराउंड 8 to 5 रेप्स रखने हैं, अभी हम 12 to 8 रेप्स रख रहे हैं। गुड बैक हो गई हमारी कंप्लीट, बाइसेप स्टार्ट कर दिया है, बाइसेप की दो सेट हो गए हमारे प्रीचर कल से, लास्ट सेट है, लास्ट ड्रॉप सेट है। सारा जो हमारा स्केड्यूल है आज का एक्सरसाइज, उसको कैसे करना है, कितनी रेपिटेशन करने हैं, क्या में क्या करना है, वो सब डिस्क्रिप्शन में होगा। सो लास्ट लगा रहे हैं, अंकित ड्रॉप करने में मेरी हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट, अंकित पकड़वा ऊपर में, ओके So, ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी बाइसेप्स की, दो ही एक्सरसाइज लगा रहे हैं, पहले लगाया प्रीचर, अब लगा रहे हैं हैमर कर्ल। सो बाइसेप्स हो गए हमारे डन, हमने लगा लिए तीन सेट बाइसेप्स, लास्ट सेट था ये बाइसेप्स का। सो वर्कआउट हो गया डन। अब सोच रहे हो कि दो ही एक्सरसाइज लगाई है बाइसेप्स की, सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये वाला बैक का रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो एक दिन ये बैक मार ली क्योंकि बैक की काफ़ी वॉल्यूम हो गया आज, और एक दिन आर्म्स वाले दिन दोबारा ट्राइसेप बाइसेप्स हिट कर ली, बाइसेप ट्राइसेप जो नॉर्मल आर्म्स हिट करते हैं या शोल्डर के साथ जो हिट करते हैं, तो उससे वॉल्यूम जो बाइसेप्स के लिए होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सो बैक वाले दिन एक दिन प्रॉपर बैक पर फोकस हो गया, हम बैक को अगर आप इतनी हाई वॉल्यूम ट्रेन कर रहे हैं
तो एक हफ्ता अगले हफ्ते ही ट्रेन करें, इस हफ्ते पूरा रेस्ट दे दें। सो ये थी हमारी वर्कआउट। अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो जैसे मैंने पहले बोला सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो यार कमेंट करना कि क्या वीडियो में पसंद आया क्या नहीं है, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी करना, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और सौरभ कुछ बोलना चाहेगा अगले ब्लॉग के लिए? और कैसा लगा, पसीना देख रहे होंगे इसका? भाई साहब दिखा दे, दिखा दे, फ्लेक्स कर दे। सो चेक कर रहे हो लड़के का, तो ऐसा ही है भाई साहब, दो एक्सरसाइज में फटने वाला है। ऑल नेचुरल, नो फक स्टेरॉइड, खाओ पियो अपना देसी डाइट रहो, और लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ के लिए एक्सरसाइज करो। सिर्फ जस्ट बिकॉज मेरे एक महीने के लिए एब्स आ जाए वो वाली चीज मत करो, एक्सरसाइज करो कि लंबे टाइम तक तुम्हारी मसल टिक रहे। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी से। ओवर एंड आउट।